नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर 3 को कवर करेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ जिसका नाम है। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये जानना है कि रोटेशन क्या होता है और उसके बाद रिवॉल्यूशन। तो पहले मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो रोटेशन होता है जब अर्थ का मूवमेंट हो उसके खुद के एक्सिस पे, जब अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा हो अपने एक्सिस पे, तो उसे हम लोग रोटेशन बोलेंगे। इसे मैंने एज इट इज़ डिफाइन भी कर दिया है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। उसके एक्सिस पे जब मूवमेंट हो तो उसे हम लोग रोटेशन बोलेंगे। तो फिर रिवॉल्यूशन क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। फिक्स पाथ और ऑर्बिट सेम चीज़ है। तो यहाँ पे होगा कि अर्थ का मूवमेंट सन के चारों ओर, सन के चारों ओर जब अर्थ का मूवमेंट हो रहा हो तो उसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और रोटेशन हो गया कि अपने एक्सिस पे ही जब अर्थ रोटेट कर रहा हो, अर्थ का मूवमेंट हो रहा हो, तो उसे हम लोग रोटेशन बोलेंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को जानने के लिए मैं इसको इसके थ्रू ज़्यादा क्लियर करूँगा। ये सन है, ओके, और ये है आपका अर्थ। अब इसको इस तरह डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए कि सन की रोशनी इस अर्थ पे पड़ रही है, सन की रोशनी आ रही है इस अर्थ पे। तो जो इसका फ्रंट फेसिंग एरिया है वहाँ पे तो डे होगा, वहाँ पे दिन होगा, और जो पीछे वाला पार्ट है इस साइड नाइट होगा। तो ये जो बीच वाला लाइन मैंने जो ये ड्रॉ किया है, ये एक रिंग टाइप का होगा, ये पीछे की तरफ से भी होगा। ये थोड़ा सा 2D टाइप है तो पता नहीं चल रहा है, 3D होता तो समझ में आता है। ये एक रिंग टाइप का बनता है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है। डे और नाइट को डिवाइड करे उसे हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन करेंगे, इल्यूमिनेशन कहेंगे, जो डे और नाइट को डिवाइड करता है। तो इसको मैंने एज इट इज डिफाइन भी किया है। जैसे यहाँ पे देखिए, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। आगे पढ़ते हैं, ये एक बेसिक सा चीज़ है। अर्थ टेक 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन एंड अराउंड इट एक्सिस, एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन कॉल अर्थ डे, जिसे हम लोग अर्थ डे के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है कि अर्थ को अपना रोटेशन कम्प्लीट करने में 24 घंटा लगता है, और उस रोटेशन के पीरियड को हम लोग अर्थ डे के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप लोग का एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है जो एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि क्या होगा अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, व्हाट हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया है। इसको आप लोग को एज इट इज़ नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिख देना, जिससे आप लोग का मार्क्स नहीं कटे। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं अब। तो पहले मैं इसे रिपीट करता हूँ, मैंने लिखा क्या, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस द डे एंड ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, एंड अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। सो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो इसको चलिए मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ इसके थ्रू। ये मान लीजिए सन है, ठीक है डियर। अब मान लो ये आपका हुआ अर्थ है, और ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट हुआ। तो मान लो अब अपने ऑर्बिट पे अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया है, तो आगे क्या होगा? अब अर्थ ने तो रोटेट करना बंद कर दिया है, तो फिर अब ये जो सन की, सूर्य की जो रोशनी है, वो तो जो आगे वाले पोर्शन है, फ्रंट फेसिंग है अर्थ का, इसके तरफ पड़ेगी, इसी की तरफ सिर्फ आएगी ना। अर्थ ने तो रोटेट करना बंद कर दिया, तो पीछे वाला जो पोर्शन है उसके तरफ तो सूर्य की रोशनी जाएगी नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, तो जो इसका बैक वाला साइड है, इसका जो बैक वाला साइड है ये अंधेरे में रहेगा। तो क्या होगा कि जो फ्रंट फेसिंग एरिया है इस वाले में हमेशा डे रहेगा, हमेशा दिन रहेगा, और इसको टेम्परेचर सूर्य से, मीन्स सन से, इसको टेम्परेचर मिलते रहेगा, क्योंकि इसको लाइट मिल रहा है तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ये यहाँ पे टेम्परेचर बराबर रहेगा, मेंटेन रहेगा, गर्मी भी पड़ेगा, ओके डियर। लेकिन जो बैक वाला पोर्शन है वहाँ पे हमेशा के लिए नाइट हो जाएगा,
ये हमेशा अंधेरे में रहेगा, हमेशा यहाँ पे नाइट रहेगा, जिस वजह से इसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा क्योंकि सूर्य की रोशनी तो इधर पहुँच नहीं रही है। तो इस वजह से ये वाला एरिया जो बैक जहाँ पे हमेशा नाइट रहेगा ये फ्रीज हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, और फ्रंट फेसिंग जो है अर्थ का फ्रंट फ्रंट वाला पोर्शन, यहाँ पे इसको टेम्परेचर मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि अर्थ का आधा भाग सूर्य में, मतलब कि डे रहेगा अर्थ का आधा भाग, और बाकी का जो है वो नाइट में रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो इस वजह से लाइफ का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा ना, लाइफ पॉसिबल नहीं है इसके थ्रू। तो अर्थ का रोटेशन नेसेसरी है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया हो। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये लीप ईयर के बारे में बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। ओके डियर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थ टेक्स 365 × 1/4 days, मतलब कि टू कम्प्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब कि अर्थ को 365 दिन 6 घंटा लगता है सन का एक चक्कर अपना लगाने में, अर्थ को लगता है। ओके डियर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन को, अर्थ को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग तो कंसीडर करते हैं 1 ईयर में 365 डेज को ही, जो 6 आवर्स है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपने आसानी के लिए उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन उस हर ईयर के 6 आवर्स को, मीन्स हर साल में जो 6 आवर एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग इग्नोर किए हुए हैं, उसको हम लोग सेव करते हैं। कब तक सेव करते हैं? जब तक वो 6 घंटा 24 घंटे में बदल ना जाए। और 24 घंटा होने में कितने साल और लग जाते हैं तो बताता हूँ, 6 × 4 = 24 आवर्स, 6 घंटा 4 साल में 24 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 4 साल में वो 24 आवर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 24 आवर वो एक दिन का होता है, मीन्स 24 आवर जो एक दिन हम लोग कंसिडर करते हैं, उस एक दिन को हम लोग सरप्लस डे में, मीन्स कहने का मतलब है मंथ मंथ फेबरी में हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, उस एक दिन को जो हम लोग हर एक साल का 6 6 घंटा को सेव करते थे और 4 साल में 24 घंटा हो जाता था जो पूरा पूरी एक दिन बनता है, उस एक दिन को हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं every 4 year, हर चौथा साल में हम लोग उसको फरवरी में ऐड कर देते हैं, जिस वजह से वो फरवरी, हर चौथा साल का जो फरवरी होता है वो 29 का हो जाता है, 29 डेज़ का हो जाता है। ऐसे एज नॉर्मल वो 28 डेज़ का ही होता है, ऐसे तो फरवरी होता है 28 डेज़ का ही, लेकिन हर 4 ईयर बाद, मीन्स हर नेक्स्ट 4 ईयर वो 29 डेज़ का हो जाता है, जिससे जिसके वजह से जो हम लोग का एक साल 365 दिन का होता था वो हर चौथा साल 366 डेज़ का हो जाता है, 366 डेज़ का हो जाता है, जिससे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप लोगों को काम आएगा, एग्जाम में इसको आना ही आना है। और इसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, देखो ऐसे ही तुम लोग को एग्जाम में लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, और इसको ऐसे ही लिखना तुम लोग एग्जाम में, क्योंकि आप लोग का मार्क्स नहीं कटे। तो अब नेक्स्ट है, हम लोग को पढ़ना है ईयर, जो ये बेसिक सा पॉइंट है जिसमें मैं पढ़ देता हूँ एज यूजल। ईयर इज़ यूजली डिवाइड इंटू समर और विंटर और स्प्रिंग, फिर ऑटम सीज़न आता है। और ये सीज़न हम लोग का, जैसे कि हम लोग जैसे इंडिया में हर साल सीज़न चेंज होता है, और भी बहुत सारे कंट्रीज होते हैं वैसा नहीं है, तो गर्मी आती है, ठंडा आता है, बरसात आता है। ओके डियर, तो इस तरह सीज़न चेंज होता है, तो ये होता क्यों है, क्यों होता है? तो इसका जवाब है आपका कि सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ का पोजीशन सन के अराउंड में चेंज होता है, जैसे कि, तो हम लोग का ये सीजन चेंज होता है। जैसे कि जो सन अर्थ सन का चक्कर लगाता है तो वो रोटेट करता है ना, मूव करता है, जो चक्कर लगाता है चारों तरफ, तो वही रीजन है सीजन चेंज होने का, उसका अर्थ का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, अर्थ का पोजीशन चेंज होता है कभी। और हम लोग का जो ऑर्बिट है, हम लोग ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल पोजीशन में होता है, इलिप्टिकल टाइप में होता है, तो इस वजह से कभी सन के नज़दीक जाता है, कभी सन से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया है चैप्टर 2 में। ओके, तो इसी वजह से सन के पोजीशन में चेंज होने की वजह से सीजन चेंज हो जाता है।
ये बेसिक सा चीज़ था। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है, समर सोल्स्टिस इसे जानना बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। ये इस चैप्टर का जान है, एक समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस और एक लास्ट वाला है, तीन, इन तीनों को आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो इसको शुरू करते हैं अब, समर सोल्स्टिस को। तो ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड टूवर्ड द सन, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है सन की तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो अर्थ है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वो थोड़ा सा सन की तरफ टिल्ट हो जाता है। इसकी वजह इस वजह से द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ के आए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। तो इस वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वो थोड़ा टिल्टेड है सन की तरफ, सन की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है। इस वजह से सन का रेज डायरेक्टली पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, डायरेक्ट पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ही पड़ता है, क्योंकि पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है थोड़ा सा सन की तरफ। ओके, तो ये है। और फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट ये होता है कि एरिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। ओके डियर। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो बना हुआ है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल पोल्स के बीच का जो एरिया, जिसे हम लोग जानते हैं फ्रिज जोन के नाम से, उस एरिया में भी 6 मंथ तक कॉन्टिन्यूस लाइट पड़ते रहता है, और वो भी एक्सपीरियंस करता है 6 मंथ तक डे लाइट को। तो वही मैंने यहाँ फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड द सन, वो भी इंक्लाइंड होता है, नॉर्थ पोल भी इंक्लाइंड होता है सन की तरफ। एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, जो फ्रिज जोन है, वो एक्सपीरियंस करता है कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। ओके डियर। उसके बाद सिक्स पॉइंट ये है, द लार्जर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने उतने देर से रिपीट ही कर रहा हूँ इसको। और सेवेंथ पॉइंट ये है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर रहता है, गर्मी का मौसम रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि वो टिल्टेड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो उसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, जिस वजह से उसको हीट रिसीव होता है, तो उसमें समर है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा ये है पॉइंट। तो अब क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी पड़ता है, तो एक बेसिक सा चीज़ है कि ये तुम लोग को जानना चाहिए कि गर्मी के मौसम में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। तो वही होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डे लॉन्गर हो जाता है और नाइट शॉर्टर हो जाता है। अब ये तो रहा बात पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सोल्स्टिस में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है फिर समर सोल्स्टिस में। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कंडीशन है ना, वो पूरा रिवर्स हो जाता है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर तो सन से थोड़ा दूर हो गया ना, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो टिल्टेड था सन की तरफ, तो ये थोड़ा पीछे हो जाता है, जिस वजह से पूरा कंडीशन जो है ना, वो रिवर्स हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पड़ जाता है, विंटर का सीजन आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे नाइट जो है वो लॉन्गर हो जाती है, रात बड़ी होती है और डे छोटा हो जाता है। ये विंटर सीजन में ऐसा ही होता है कि रात बड़ा हो जाता है और दिन छोटा रहता है, और समर सीजन में होता है दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटा हो जाता है। ओके डियर, तो ये समझ गए तुम लोग, यही था पूरा कहानी समर सोल्स्टिस का। इसके बाद बात करते हैं विंटर सोल्स्टिस की। तो डियर यहाँ पे होता है ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को, दिसंबर में यहाँ का जो एरिया है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर में तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और इसमें क्या होता है कि ना, जो साउथ पोल है, साउथ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता था कि नॉर्थ पोल टिल्टेड होता था, लेकिन विंटर नॉर्दर्न में सॉरी 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 समर सॉल्स्टिस में होता था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड होता था सन की तरफ, और विंटर सॉल्स्टिस में ये होता है कि जो साउथ पोल होता है नीचे वाला, वो थोड़ा सा सन की तरफ टिल्ट हो जाता है। ओके, ये टिल्ट होता नहीं है, ये पोजीशन जो अर्थ का चेंज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ये सब समझाने के बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, क्लियर करूंगा, ज़्यादा क्लियर होगा उससे। ओके, अभी सिर्फ इतना समझो, डायग्राम के थ्रू ज़्यादा आप लोगों को क्लियरफाई हो जाएगा। तो क्या होता है कि उसमें विंटर सॉल्स्टिस में होता है कि जो साउथ पोल है वो टिल्ट हो जाता है थोड़ा सा सन की तरफ, तो इस वजह से साउदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे गर्मी पड़ती है। और क्या क्या होता है अब देखो, यहाँ पे जो साउदर्न हेमिस्फेयर का जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो रिसीव करता है डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन। ओके, जो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो डायरेक्ट सन रेज को रिसीव करता है।
ओके डियर, जिस वजह से सन रेज वर्टिकली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो लार्जर पोर्शन है साउदर्न हेमिस्फीयर का वो लाइट को रिसीव करता है, मतलब कि हीट रिसीव करता है, मैक्सिमम लाइट रिसीव करता है साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर सोल्स्टिस में। ओके, जिस वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाता है, समर सीजन आ जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, और यहाँ पे जो दिन होता है वो बड़ा हो जाता है और जो नाइट होती है वो शॉर्टर हो जाती है, जो दिन बड़ा और रात छोटा। ओके डियर, और ये जस्ट अपोजिट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है जस्ट रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टर डे एंड लॉन्गर नाइट है। मतलब कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब वहाँ पे विंटर सीजन आ जाता है जिस वजह से वहाँ का रात बड़ा हो जाता है और दिन छोटा हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये जो विंटर सोल्स्टिस है वो समर सोल्स्टिस का जस्ट अपोजिट है। ओके, समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ता है, ओके, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है। उसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट हुआ विंटर सोल्स्टिस में, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है। तो ये दोनों आप लोग क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम सब, एज इट इज जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन में लिखना है, जिससे आपका मार्क्स कट ना हो। तो चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं, इसका लास्ट वाला टॉपिक है, थर्ड है। तो इसका नाम इक्विनॉक्स है, और इसमें क्या होता है डियर कि होल अर्थ एक्सपीरियंस द इक्वल डे एंड इक्वल नाइट बिकॉज नाइदर ऑफ द पोल, इसमें कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, टिल्टेड टूवर्ड द सन, जिस वजह से किसी भी रीजन में न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में न साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी और ठंडी नहीं पड़ता, यहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा वैसे आप लोग को लिखना है, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट बिकॉज नाइदर ऑफ द पोल टिल्टेड टूवर्ड द सन। ओके, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा इस पिक्चर के थ्रू। देखो समर सोल्स्टिस में क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पे फोकस करो समर सोल्स्टिस के लिए, 21 जून। और यहाँ पे क्या होता है, ये दिख रहा होगा तुम लोगों को कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ये थोड़ा सा झुका हुआ है सन की तरफ। ओके, जिस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी और साउदर्न हेमिस्फेयर थोड़ा सा पीछे चला गया, जिस वजह से साउदर्न हेमिस्फेयर में ठंडा पड़ता है। ओके डियर, और इसमें देखो ये विंटर सोल्स्टिस के लिए 22 दिसंबर, और ये है आप लोग का समर सोल्स्टिस 21 जून। तो विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग कि ये क्या कहते हैं, जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल जो है ये सन की तरफ आ गया, जिस वजह से साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो पीछे चला गया है, जिस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडी पड़ती है। तो इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देखो और समझो तो आप लोग समझ में आ जाएगा। ओके, और इक्विनॉक्स के लिए देखो, यहाँ पे इक्विनॉक्स के लिए ये दोनों पोजिशन है, इक्विनॉक्स का ऊपर में स्प्रिंग हो जाता है और नीचे में ऑटम आ जाता है, इक्विनॉक्स का पोजीशन यही है। यहाँ पे कोई भी तुम लोगों को दिख रहा होगा, ना ही नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल, दोनों में से कोई सन की तरफ टिल्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, समझे, इक्वल डे और इक्वल नाइट बराबर पड़ता है। तो आप लोग आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लो, चैन सी आई टी में है ही, तो इस डायग्राम को अच्छे से देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, सो वीडियो को जरूर लाइक करना, थैंक यू।